ये कानून अगर ना लागू किया जाए तो आप नुमाइंदों की बात कर रहे थे, कितने नुमाइंदे आप चाहते हैं विधानसभा में इन चीजों को रोकने के, और एमआईएम की ओर से कितनी सीटें लड़ी जाएंगी जिसके ऊपर आप लगते हैं कि मैं आज आपको आज आपके आपके सवाल का एक पार्शियल जवाब दे देता हूँ। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरा ही दीजिए, सुनिए सुनिए, मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे, इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये पांच नाम दे दिया हमें, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि दो तो मिले हैं, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं।